ओके जी, नेक्स्ट चैप्टर है जी कॉन्फिगरिंग द नेटवर्क एनवायरनमेंट। इसमें आप देखेंगे जी क्लाइंट सर्वर कनेक्टिविटी आप कैसे करते हैं कि आपका आपका डेटाबेस सर्वर है और आपने क्लाइंट्स को डेटाबेस सर्वर के साथ कैसे कम्युनिकेट कराना है, क्या क्या कौन कौन सी सर्विसेज हैं, कौन कौन से टूल्स हैं और कम्युनिकेशन होती कैसे है एक्चुअली, तो कौन कौन से एक्चुअली यूटिलिटीज इन्वॉल्व है। तो इंस्टेड के मैं इसमें जरा चैप्टर में गो थ्रू करूँ, मैं आपको पहले प्रैक्टिकल सारा कर लेते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें जहाँ क्लियर हो जाए, फिर हम जल्दी चैप्टर खत्म करेंगे। छोटा चैप्टर है, जल्दी कवर हो जाएगा। क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट में आपके नॉर्मली क्या है कि आपका इन्वायरमेंट में आपका नेटवर्क है, स्विच है आपके पास और आपके डिफरेंट मशीन्स स्विच के साथ कनेक्टेड हैं। तो आप किसी एक मशीन पे अगर आप आपके पास वो सर्वर बेस्ड मशीन है और उस पर अगर आप ओरेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दें और डेटाबेस क्रिएट कर दें तो दैट इज़ कॉल्ड अ DB सर्वर, वो आपका DB सर्वर कहलाएगा। DB सर्वर जो है उस पर अगर हम आर्किटेक्चर देखें डेटाबेस सर्वर का, ओरेकल के डेटाबेस सर्वर का, तो एक तो ओरेकल का इंस्टेंस रन हो रहा होता है जो कि है आपका SGA प्लस बैकग्राउंड प्रोसेसेस, ठीक है, ये तो क्लियर है ना। SGA एंड बैकग्राउंड प्रोसेसेस मिलके इंस्टेंस रन हो रहा होगा, उस सर्वर की हार्ड डिस्क के ऊपर कुछ फाइल्स होंगी जिनको आप डेटाबेस कहते हैं, जो कि तीन तरह की फाइल्स हैं, डेटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स, इंटरनल फाइल्स, ये तो हमने डिटेल से डिस्कस किया। देन इस सर्वर पे मेमोरी में SGA के अलावा एक यूटिलिटी रन हो रही होती है, एक टूल रन हो रहा होता है जिसको लिसनर कहा जाता है, ठीक है। लिसनर का डेटाबेस से वैसे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, क्योंकि लिसनर अगर नहीं चल रहा तो ये नहीं होगा कि डेटाबेस नहीं चल सकता, या डेटाबेस नहीं चल रहा तो लिसनर नहीं चल सकता, ये दो इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये दोनों ज़रूरी हैं, दीज आर मैंडेटरी कंपोनेंट्स। जैसे SGA या आपका डेटाबेस नहीं चलेगा, इंस्टेंस नहीं चलेगा तो आपकी डेटाबेस एक्सेस नहीं हो सकेगी, ठीक है। अगर आपका लिसनर नहीं चलेगा तो रिमोट कनेक्टिविटी नहीं हो सकेगी, आप उस मशीन पे रहते हुए तो डेटाबेस से कनेक्ट हो सकेंगे, क्यूरीज कर सकेंगे, एप्लीकेशन यूज कर सकेंगे, लेकिन आप अगर रिमोटली अगर आप ओवर द नेटवर्क आ रहे हैं तो आपकी जो कनेक्शन की रिक्वेस्ट है वो लिसनर के पास जाती है, लिसनर इज रिस्पॉन्सिबल कि वो आपकी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कराए। तो लिसनर का अप एंड रनिंग होना जरूरी है अगर आप ओवर द नेटवर्क आ रहे हैं। तो एक तो यह है कि सर्वर साइड पे यू शुड हैव अ लिसनर, और लिसनर का कोई ना कोई नेम होता है, लिसनर किसी पोर्ट पे लिसन कर रहा होता है और लिसन किसी प्रोटोकॉल के अगेंस्ट लिसन कर रहा होता है, और जो ये प्रोटोकॉल है वो आपके अंडरलाइन नेटवर्क का प्रोटोकॉल होगा। फॉर एग्जांपल नॉर्मली आजकल 100% यही है कि वहाँ पर TCP/IP यूज होता है, ठीक है ना, TCP प्रोटोकॉल यूज होता है। बहुत सारी और भी इन्वायरमेंट्स होंगे जिसमें पुराना नेटवर्क में Net2E यूज होता था, वो डिफरेंट वेंडर्स हैं उनके अपने भी वो प्रोटोकॉल्स हैं, तो जो प्रोटोकॉल है वो उस प्रोटोकॉल को ये सपोर्ट करता है। नॉर्मली आजकल TCP यूज होता है तो ये TCP पे रन होगा, कोई पोर्ट होगी जिसके ऊपर रन होगा, ये लिसनर लिसन कर रहा होगा, बाय डिफॉल्ट ये पोर्ट होगी 1521, चेंज भी कर सकते हैं, लिसनर क्रिएशन के बाद भी चेंज की जा सकती है और बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट लिसनर का कोई ना कोई नाम होता है, बाय डिफॉल्ट लिसनर का नाम लिसनर के नाम से ही होता है, आप किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको मैनेज करने के लिए टूल्स हैं आपके पास, दो टूल्स हैं जिसके थ्रू आप इसको क्रिएट, ड्रॉप और उसकी कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं। एक है नेट कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट, इसको NetCA भी कहते हैं, इसकी एक सी है NetCA के नाम से, एक तो ये टूल है इसके थ्रू आप इसको क्रिएट, ड्रॉप और उसके कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। एक नेट मैनेजर है, ये भी ग्राफिकल टूल है, इसकी यूटिलिटी जो NetMGR के नाम से इसकी एग्जीक्यूटेबल है, आप उसको कॉल करते हैं। देन आप कर सकते हैं इसको जी LSN RCTL की एक यूटिलिटी है, इसके थ्रू लिसनर को स्टार्ट स्टॉप किया जा सकता है, लेकिन लिसनर क्रिएशन इसके थ्रू नहीं होती, ठीक है। और लिसनर में ट्रेसिंग ऑन कर सकते हैं, ट्रेसिंग डिसेबल कर सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं एंड सो ऑन। फिर आपके पास एक फोर्थ टूल है जी EM इंटरप्राइज मैनेजर, फिर एक फिफ्थ टूल है आपके पास जी SRVCTL जो अभी अवेलेबल है या क्लस्टर्ड इन्वायरमेंट में अवेलेबल होता है, SRVCTL सर्वर कंट्रोल यूटिलिटी। दीज आर द टूल्स, लिसनर कंट्रोल यूटिलिटी और सर्वर कंट्रोल यूटिलिटी के थ्रू आप लिसनर को स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं, ये दो ऑप्शन है। बाकी जो तीनों टूल्स हैं इनके थ्रू लिसनर की कन्फिग्रेशन चेंज की जा सकती है, ठीक है, लिसनर को क्रिएट करना, नया लिसनर क्रिएट करना, लिसनर पोर्ट को चेंज करना, नाम को चेंज करना एंड सो ऑन, ये सारे किए जा सकते हैं। और लिसनर की एक फाइल होती है कन्फिग्रेशन फाइल, वो लिसनर .ORA के नाम से होती है, और आपकी एक मशीन पे एक लिसनर भी हो सकता है, मल्टीपल लिसनर्स भी हो सकते हैं। इफ यू हैव मल्टीपल लिसनर्स तो एक तो उनके नाम डिफरेंट होने चाहिए, दूसरा
जिस पे वो पोर्ट पे वो लिसन कर रहे हैं वो पोर्ट भी डिफरेंट होनी चाहिए। नॉर्मली एक मशीन पे एक से ज्यादा लिसनर्स रिक्वायर्ड नहीं होते। जैसे आपकी एक मशीन डीबी सर्वर है उस पर एक डेटा बेस है तो एक लिसनर इज सफिशियंट, और एक मशीन है डीबी सर्वर उसमें 5 डेटा बेसिस है तो तब भी एक लिसनर सफिशियंट है। ठीक है, एक लिसनर मल्टीपल डेटा बेसिस के अगेंस्ट लिसन कर सकता है नॉर्मली, जरूरी नहीं है कि हर डेटा बेस के लिए अलग लिसनर हो, और दैट इज टोटली अप टू यू। आप ये भी कर सकते हैं कि आपके मशीन पे 3 डेटा बेसिस है और हर डेटा बेस के लिए आपने लिसनर भी अलग रखा हुआ है, दैट इज अप टू यू। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, दैट इज दैट कैन बी डन। तो जो कन्फिग्रेशन आपको सूट करे आप उस तरफ जाते हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर डेटा बेस का अपना लिसनर होना चाहिए। मैनेजेबिलिटी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी, मल्टीपल लिसनर्स को मैनेज करना पड़ेगा, डिफरेंट पोर्ट्स के ऊपर आपको वो डेटा बेसिस एक्सेसिबल होंगी, और सेम पोर्ट पे एक्सेसिबल रखना चाहते हैं तो फिर आप एक ही लिसनर के थ्रू ये सारा काम कर सकते हैं। नॉर्मली एक लिसनर सफिशियंट होता है एक डेटाबेस सर्वर के ऊपर। ठीक है, और लोकल लिसनर्स भी हो सकते हैं, रिमोट लिसनर्स भी हो सकते हैं, उस पर हम भी डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है जी? ठीक है जी। अच्छा, हम जरा क्रिएट करते हैं, और लिसनर जब आप क्रिएट मल्टीपल लिसनर्स भी अगर आप क्रिएट करेंगे एक डेटाबेस सर्वर के ऊपर तो फाइल एक ही बनेगी लिसनर डॉट ओरा के नाम से, और उसी में सारे लिसनर्स की एंट्रीज होंगी। ठीक है, और ये टेक्स्ट फाइल होती है, आप इस फाइल को डायरेक्टली जाके ओपन करके चेंज कर सकते हैं। आप ये नेट कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट या नेट मैनेजर यूज करके कोई लिसनर की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे तो एक्चुअली वो इस फाइल में जाके चेंजेस कर रहे होंगे। तो आप डायरेक्टली इस फाइल को ओपन करें, किसी टेक्स्ट एडिटर में चेंजेस करें, सेव करें, दैट्स इट। यू कैन डायरेक्टली मॉडिफाई दीज फाइल्स। ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट बाइनरी फाइल्स नहीं है, दीज आर टेक्स्ट फाइल्स है। इसी तरीके से एक और भी फाइल होती है, उसको एसक्यूएल नेट डॉट ओरा कहते हैं, एसक्यूएल नेट डॉट ओरा। ये अच्छा, लिसनर डॉट ओरा जो फाइल है वो सर्वर साइड पे पड़ी होती है नॉर्मली, और ये फाइल है इसका सर्वर साइड के ऊपर है। और अगर आपकी क्लाइंट मशीन है वहां पे लिसनर डॉट ओरा फाइल पड़ी होगी, लेकिन इट डजंट मीन कि वहां पे लिसनर होना चाहिए। लिसनर का कोई क्लाइंट मशीन पे लिसनर का देयर इज नो यूज, देयर इज नो यूजेज। आप क्लाइंट मशीन पे लिसनर चला भी देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको। ठीक है, लिसनर हमेशा डेटाबेस सर्वर के ऊपर चल रहा होता है और वहीं पे लिसन कर रहा होता है। अब ये अगर आप देखेंगे, अगर ओरेकल का क्लाइंट अगर क्लाइंट साइड पे इंस्टॉल करें तो वहां पे भी लिसनर के डॉट ओरा के नाम से फाइल बन जाती है। वहां पे LSNRCDL की यूटिलिटी आपको अवेलेबल होती है, वहां पे भी आपको नेट मैनेजर, नेट सीए की, नेट कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट की यूटिलिटीज अवेलेबल होती है। वहां पे भी आप लिसनर क्रिएट सब कुछ कर सकते हैं क्लाइंट साइड पे, लेकिन उसका कोई एडवांटेज नहीं होगा आपको, वो लिसनर किसी जगह यूज नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो लिसनर डॉट ओरा फाइल या लिसनर जो है हमेशा डेटा बेस सर्वर के ऊपर साइड पे ही रिजाइड करता है और वहीं पे करना चाहिए। और देन एक और फाइल होती है एसक्यूएल नेट डॉट ओरा, ये क्लाइंट साइड पे भी यूज होती है और सर्वर साइड पे भी यूज होती है। सर्वर साइड पे लिसनर के कुछ अगर एक्स्ट्रा ऑप्शन आपने कन्फिगर करने हो, फॉर एग्जाम्पल लिसनर में आप ये लगा सकते हैं फ्लां आईपी से अगर रिक्वेस्ट आए तो वो डेटा बेस कनेक्ट होने दें, और फ्लां आईपी से रिक्वेस्ट आए तो वो डेटा बेस कनेक्ट ना होने दें। ठीक है, मीन्स के वो जिसको कहते हैं इस एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। आप लिसनर पे पासवर्ड लगाना चाहें वो कर सकते हैं, एडिशनल ट्रेसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस कर सकते हैं। वो फिर आपने एसक्यूएल नेट डॉट ओरा फाइल के अंदर करनी होती है। ठीक है, तो ये फाइल्स यूज होती रही, दीज आर टू फाइल्स। और ये फाइल्स होती कहाँ पे हैं? दीज टू फाइल्स आर अवेलेबल अंडर ओरेकल होम, ओरेकल होम में नेटवर्क का फोल्डर है और उसमें एडमिन का। ये पाथ वैसे चेंज भी किया जा सकता है। ठीक है, एक इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है, जैसे ओरेकल होम का इन्वायरमेंट वेरिएबल है ना ओएस लेवल पे, इसी तरीके से एक इन्वायरमेंट वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हैं TNS अंडरस्कोर एडमिन के नाम से। अगर इस इन्वायरमेंट वेरिएबल में आप जो पाथ देंगे वो फिर आपकी वो फाइल्स नेटवर्क की फाइल्स लिसनर डॉट ओरा या बाकी नेटवर्क की फाइल्स उस लोकेशन में होंगे। तो बाय डिफॉल्ट वो ये इसी को पॉइंट कर रहा होता है, ओरेकल होम में नेटवर्क के एडमिन के फोल्डर। ओके जी, तो जी नहीं 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 वो क्लाइंट साइड पे यूज होती है, सर्वर साइड पे भी पड़ी होती है लेकिन यूज वो क्लाइंट साइड पे होती है। बताता हूँ आपको अभी, जब वो अभी तो हम सर्वर साइड कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, क्लाइंट साइड पे इसके बाद में आते हैं। ठीक है, और फिर जब ये दोनों कर लेंगे तो फिर हम डिटेल में देखेंगे कि क्या कौन कौन सी फाइल्स की सफिशियंट होंगी। ठीक है, अच्छा मेरी अगर इस मशीन पे अगर आप देखें तो आई हैव टू ओरेकल होम्स, वन ओरेकल होम इज पॉइंटिंग टू द ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि ASM का होम है हमारे केस में, एंड द अदर ओरेकल होम इज पॉइंटिंग टू द डेटाबेस दैट इज RDBMS ओरेकल होम। अच्छा, जब आप ओरेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो नेटवर्क का सॉफ्टवेयर दोनों तरफ इंस्टॉल हो जाता है, उसको ओरेकल का जो नेटवर्क का सॉफ्टवेयर है जो कि एक्चुअली लिसनर और ये सारी चीजें और कनेक्टिविटी को मैनेज कर रहा होता है वो सॉफ्टवेयर आपको कहलाता है। उसको पहले ओरेकल नेट 8 कहा जाता था, ओरेकल नेट 8। अब इसको जो इसका नाम है वो है जी ओरेकल नेट सिंपली, इसको ओरेकल नेट सर्विसेज कहा जाता है इसको, नाउ इट इज कॉल्ड ओरेकल नेट सर्विसेज, पहले इसको ओरेकल नेट 8 कहा जाता था। अच्छा,
ओरेकल नेट 8 का सॉफ्टवेयर आपका, जब ओरेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं आरडीबीएमएस का या आपने ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर किया, तो उस दोनों केसेस में ओरेकल नेट सर्विसेज का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया दोनों होम्स में। तो अगर आप नेट सीए चलाएंगे तो दोनों होम्स में मिलेगा आपको। मैं लाइनक्स के यूनिक्स में कमांड है विच और लेट करता हूँ, मैं विच नेट सीए करता हूँ, तो ये आपको बता रहे हैं कौन से होम में से नेट सीए इनवोक कर रहा है। मेरे केस में ये जो होम है ये डेटाबेस का होम है। मैं दूसरे इन्वायरमेंट में यहाँ पे आता हूँ तो मैं बताता हूँ विच नेट सीए, ये आपको देखें ग्रिड के होम में से इन्वोक कर रहा है। तो नेट सीए का टूल जो है दोनों होम्स में अवेलेबल है, ये याद रखिएगा, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि आपने नेट सीए कहाँ से इन्वोक किया। नेट सीए अगर आपने इन्वोक किया और होम जो हो ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का सेट हुआ हुआ था, तो इसकी जो लिसनर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होंगी वो ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के होम में नेटवर्क के एडमिन के फोल्डर में होंगी। और अगर आपने नेट सीए या कोई भी टूल इन्वोक किया और उसमें डीबीएमएस का होम सेट हुआ हुआ था, तो फिर इसमें जो आपका लिसनर की कॉन्फ़िगरेशन या जो फाइल्स होंगी वो ओरेकल डेटाबेस के होम के अंडर नेटवर्क के फोल्डर में जाके स्टोर होंगी। सो मेक श्योर कि आप ये ना हो कि आप एक होम में लिसनर तो आपने कॉन्फ़िगर एक होम में किया हुआ है लेकिन उसको स्टार्ट स्टॉप करते वक्त किसी दूसरे होम से उसको कर रहे हैं, वो उसको रिकग्नाइज ही नहीं करेगा, वो एरर देगा आप, ठीक है। आसान हो गया फिर करते हैं। सो नेट सीए का ये जो आपके नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन के टूल्स हैं वो आपको, अगर आपके पास मल्टीपल होम्स हैं तो हर होम में वो आपको टूल्स अवेलेबल होंगे। तो आप जिस होम से वो पर्टिकुलर टूल इन्वोक करेंगे उसी होम में जाके वो पर्टिकुलर यूटिलिटी या लिसनर क्रिएट होगा, ठीक है। और फिर उसी होम की आपको यूटिलिटीज यूज़ करनी पड़ेंगी लिसनर को स्टार्ट एंड स्टॉप करने के लिए। तो जब आप ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करते हैं 11 जी रिलीज टू ऑनवर्ड, जब आप ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करते हैं और फिर आप डेटाबेस का सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के होम में से एक लिसनर ओरेकल खुद ही क्रिएट कर देता है आपके लिए। वो दैट लिसनर इज सफिशिएंट फॉर योर डेटाबेस एज वेल। तो मैं अगर पीएस माइनस एएफ पाइप ग्रेप टीएनएस करूं तो मुझे दिखा रहा है कि एक लिसनर के नाम से लिसनर चल रहा है और उसका होम ये दिखा रहा है जी, ये कहां से लिसनर चल रहा है, ग्रिड के पिन के फोल्डर में से, मींस के ग्रिड के होम में से चल रहा है। तो 11g रिलीज टू ऑनवर्ड अगर आप ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करते हैं तो आपका लिसनर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के होम से क्रिएटेड होता है बाय डिफॉल्ट और वहीं से चल रहा होता है, और उस लिसनर के साथ आपका एएसएम इंस्टेंस भी रजिस्टर हो जाता है और बाद में जो आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे वो भी इसके साथ रजिस्टर हो जाएगी। वो रजिस्ट्रेशन क्या चीज़ है वो भी डिस्कस करते हैं आगे चल के, ठीक है। सो लेकिन ये कंपल्शन नहीं है, आप बाद में चाहते नहीं ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के होम से लिसनर नहीं होना चाहिए, ओरेकल होम से होना चाहिए। यू कैन क्रिएट अ लिसनर फ्रॉम ओरेकल होम एज वेल, आप इसको ड्रॉप करके वहां पे क्रिएट कर लें और एएसएम को उसके साथ रजिस्टर कर लें, डेटाबेस को भी उसके साथ रजिस्टर कर लें। तो फ्रॉम आइदर होम आप वो स्टार्ट उसको कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल होम है तो किसी भी होम में से लिसनर क्रिएट एंड कन्फिगर किया जा सकता है, लेकिन फिर जिस होम से आप करेंगे उसी होम की यूटिलिटीज यूज करनी पड़ेंगी आपको। लेट से आप यहाँ पे ग्रिड के होम में लिसनर आपने क्रिएट किया लेकिन आपने इन्वायरमेंट डेटाबेस की होम की सेट की और अब जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ एल एस एन आर सी टी एल स्टेटस, ये दिखा रहा है जी विच करते हैं विच एल एस एन आर सी टी एल, ठीक है ये डीबी होम से दिखा रहा है। लिसनर का नाम लिसनर था, अगर लिसनर का नाम लिसनर के अलावा कुछ होगा, जैसे मैं अभी एक लिसनर क्रिएट करता हूँ स्पैम थे दिए ग्रिड के होम, और यहाँ पे मैं एक लिसनर क्रिएट कर देता हूँ डेटाबेस के होम में नेट सीए चलाता हूँ और यहाँ पे एक नया लिसनर क्रिएट कर लेते हैं। तो नेट सीए से या नेट मैनेजर से या इंटरप्राइज मैनेजर से आप नया लिसनर क्रिएट कर सकते हैं। तो लिसनर ऑलरेडी हमारे पास क्रिएटेड है, हमें जरूरत नहीं है क्रिएट करने की, लेकिन आप अगर लिसनर में कोई इशू हो जाए तो लिसनर ड्रॉप करके रिक्रिएट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास टूल जो है वो नेट सीए है, नेट कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट या नेट मैनेजर है, दोनों से किया जा सकता है। तो मैं नेट सीए से एक लिसनर क्रिएट करता हूँ, लिसनर कॉन्फ़िगरेशन करूंगा नेक्स्ट, ऐड करता हूँ एक लिसनर नेक्स्ट, लिसनर का नाम सॉरी लिसनर का नाम से ऑलरेडी है एक, मैं इसको लिसनर अंडरस्कोर ओआरसीएल रख देता हूँ या कुछ भी नाम रखते हैं आप इसको, नेक्स्ट करते हैं टीसीपी नेक्स्ट, पोर्ट आप इसकी डिफरेंट रखनी पड़ेगी 1522 नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश कर देते हैं। तो सीटी डॉलर साइन ओरेकल अंडरस्कोर होम स्लैश नेटवर्क एडमिन, टीएनएस एडमिन भी करके भी जा सकते थे। इसमें अगर मैं आपको फाइल दिखाऊंगा लिसनर डॉट ओरा के नाम से, उसमें देखें लिसनर अंडरस्कोर ओआरसीएल के नाम से लिसनर क्रिएट हो गया और ये टीसीपी प्रोटोकॉल पे लिसन कर रहा है, ये मशीन का नाम ये है और 1522 पोर्ट पे लिसन कर रहा है। एक और लिसनर भी क्रिएट हुआ है लिसनर के नाम से,
वो लोकल होस्ट मशीन, आप लोकल होस्ट रख लें या मशीन का नाम रख लें या और 1521 पे लिसन करें, तो दो लिसन कन्फिगर हो गए। और अगर मैं दूसरे होम में जाऊंगा इसमें देखिए सिर्फ एक लिसनर के नाम से आपको लिसनर नजर आ रहा है, तो जिस होम से मैंने नेट सीए का टूल इन्वोक किया था वो लिसनर आपको उसी होम में अवेलेबल है। अब इस लिसनर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके लिसनर का नाम सिंपली लिसनर है तो आप LSNRCTL स्टार्ट लिख देते हैं। आपके लिसनर का नाम लिसनर के अलावा कुछ है तो फिर आपको आगे लिसनर का नाम देना पड़ता है। देखिए एरो दिया कि इस नाम से उसको लिसनर नहीं मिला, तो ये जो LSNRCTL की यूटिलिटी है क्योंकि ये डिफरेंट होम में से इन्वोक किया, तो वो अपने उस होम में जाके लिसनर डाटोरा फाइल को रीड कर लिया, तो उसमें तो उसको लिसनर नहीं मिला। तो अगर आप मैं यहाँ पे जाके इसको लिसनर को स्टार्ट करता हूँ, अच्छा जी वो ऑलरेडी उसने स्टार्ट किया है, यहाँ पे उसने मैसेज दिया जी। अच्छा क्योंकि हमने जब क्रिएट किया था लिसनर, जब हम लिसनर क्रिएट करते हैं ना तो लिसनर वो यूटिलिटी स्टार्ट भी कर देती है। ठीक है तो इसको स्टॉप करते हैं पहले। ठीक है जी तो लिसनर स्टॉप हो गया, उसी तरीके से आप लिसनर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिस होम में से क्रिएट हुआ है फिर उस होम की लिसनर कंट्रोल यूटिलिटी यूज करके आप उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी तो लिसनर क्रिएशन आपने देख ली नेट सीए के थ्रू। नेट सीए जो आपका टूल है उसके थ्रू आप लिसनर कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या ऑप्शंस कर सकते हैं, एक तो लिसनर क्रिएशन है सबसे पहला लिसनर कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है। नेक्स्ट करेंगे तो लिसनर ऐड कर सकते हैं आप इसके थ्रू, रीकन्फिगर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। रीकन्फिगर मीन्स कि आप उसको प्रोटोकॉल्स उसमें कोई ऐड करना चाह रहे हैं या उसके पोर्ट चेंज करना चाह रहे हैं। क्लाइंट कनेक्ट होता है ना तो क्लाइंट को आप पोर्ट बताते हैं कि कौन से पोर्ट पे कनेक्ट होना है आपने। नहीं नहीं किसी जगह नहीं नहीं कुछ भी किसी जगह कुछ भी, क्योंकि लिसनर का कोई कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस की कोई कॉन्फ़िगरेशन लिसनर के साथ इस तरीके से नहीं होती कि पोर्ट चेंज करने से उसका इंपैक्ट हो डेटाबेस के ऊपर, और लिसनर की कोई डेटाबेस के अंदर कोई ऐसी कॉन्फ़िगरेशन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। दैट्स इट, आपको क्लाइंट साइड पे पोर्ट चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है वो भी देख लेते हैं ना। तो ये तो था लिसनर क्रिएशन एंड लिसनर को कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन चेंज करना। ये सारा काम आप इंटरप्राइज मैनेजर से भी कर सकते हैं। इंटरप्राइज मैनेजर में अगर आप अगर पोर्ट चेंज करते हैं तो यस 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 वो भी करते हैं। तो अगर आप इंटरप्राइज मैनेजर में रिलेटेड लिंक्स में आए, वैसे तो यहाँ लिसनर के पेज से यहाँ पे भी जा सकते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे आपने कहा कि sqlite.org जो है उसके अंदर अगर आप मैं सिर्फ यही चाह रहा हूँ कि कोई जो यूजर है वो पर किसी और थर्ड पार्टी टूल से कनेक्ट ना हो सके, ठीक है तो मैं उसमें जाके इसको सेट कर सकता हूँ? नहीं उसके लिए आपको ट्रिगर लिखना पड़ेगा। इसमें 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 जो वो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगा सकते हैं वो आईपी बेस्ड है, आईपीज बता सकते हैं कौन से आईपीज में से वो कनेक्ट करने दे कौन से आईपीज को ना करने दे। जी नहीं नहीं वो तो नहीं नहीं वो तो लिसनर लेवल पे तो नहीं कर सकते। आप ये कर सकते हैं कि वो कोई एसक्यूएल प्लस से ना कनेक्ट हो सके या सिर्फ एसक्यूएल प्लस से कनेक्ट हो सके कि और यूटिलिटी से ना हो सके टोर से ना हो सके, तो वो फिर डेटा बेस लेवल पे आपको ट्रिगर लगाना पड़ता है, उसको लॉग इन लॉग ऑफ ट्रिगर कहते हैं। ऑन लॉग इन के ऊपर एक ट्रिगर लगाते हैं आप जिसमें फिर आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं उसको कि कौन से एप्लीकेशन के थ्रू ना कनेक्ट हो। ठीक है वो किया जा सकता है।
सिक्योर नेट हो रहा मैं प्रोग्राम्स के लिए, देख लीजिएगा मुझे कोई बता दीजिएगा। तो इंटरप्राइज मैनेजर पे आप लिसनर के पेज पे अगर आप आए तो यहाँ पे लिसनर को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और इसमें जी ये अगर रिलेटेड लिंक्स में अगर आप आए नीचे इसमें आपके पास होगा नेट सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन, इस पे आ जाए तो लिसनर एक ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लोकल नेमिंग ऐड कर सकते हैं, फाइल लोकेशन देख सकते हैं, ठीक है। अगर लिसनर से क्लिक करके वो करते हैं तो आपसे ओएस के क्रेडेंशियल्स पूछेगा, ओके जी। अभी आपने देखा जी हमने नेट सीए का टूल यूज़ किया, नेट कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट LSNRCTL, उसी तरीके से SRVCTL भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी यूज़ करते हैं, और नेट मैनेजर का एक टूल अभी यूज़ करना है हमने, जिसके थ्रू आप जिसमें क्रिएशन कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। लिसनर जो है एक सर्वर के ऊपर एक लिसनर चल रहा है, उसमें कुछ मेमोरी एरिया आपको पाइप किया हुआ है, और उस मशीन पे कुछ डेटाबेसेस चल रही हैं, लेट्स से डेटाबेस चल रही है MyDB के नाम से, डेटाबेस चल रही है जी ORCL के नाम से। ये डेटाबेसेस क्या होती है, इस लिसनर के साथ अपने आप को रजिस्टर कर लेती हैं, ठीक है। ये डेटाबेसेस अपने आप को लिसनर के साथ रजिस्टर कर लेती हैं, किस केस में, अगर आप लिसनर के साथ रजिस्ट्रेशन, डेटाबेसेस की दो तरह की होती है, एक रजिस्ट्रेशन डायनेमिक होती है और एक रजिस्ट्रेशन स्टैटिक होती है। वाइड वर्ल्ड डायनेमिक होती है, डायनेमिक का क्या मतलब है, जब लिसनर स्टार्ट हो जाएगा और डेटाबेस भी स्टार्ट हो जाएगी तो डेटाबेस का पी मॉन का प्रोसेस वो रिस्पॉन्सिबल होगा डेटाबेस को लिसनर के साथ रजिस्टर करने के लिए। वो किस केस में रजिस्टर करेगा, अगर आपके लिसनर का नाम लिसनर है और वो 1521 पोर्ट पे लिसन कर रहा है, अगर ये कंडीशन नहीं है तो फिर वो डायनेमिक रजिस्ट्रेशन काम नहीं करेगी, ठीक है। अगर आपके लिसनर का नाम समथिंग एल्स है तो फिर दो ऑप्शन हैं, या तो आप स्टैटिक रजिस्ट्रेशन की तरफ चले जाएं, या डेटा उस डेटाबेस लेवल पे एक पैरामीटर होगा लोकल अंडरस्कोर लिसनर के नाम से, SP फाइल में, पैरामीटर फाइल में, वो लोकल लिसनर में अल्टर सिस्टम सेट लोकल अंडरस्कोर लिसनर इक्वल टू लिसनर का नाम सिंगल कोट्स में देगी, तो फिर वो डायनेमिक रजिस्ट्रेशन उसके साथ काम करना शुरू कर देगी। तो डायनेमिक रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि आपका लिसनर के साथ, जब लिसनर स्टार्ट होगा तो उसने जो मेमोरी एरिया को पाई किया हुआ है, जब डेटाबेस अपने आपको उसके साथ रजिस्टर कर लेगी तो लिसनर अपनी एक लिस्ट मेंटेन करेगा जिसमें वो डेटाबेसेस के नाम रजिस्टर कर लेगा, ठीक है। अब कोई क्लाइंट जब इस, अब कनेक्टिविटी कैसे होगी, क्लाइंट जब क्लाइंट साइड पे कोई टूल इन्वोक करेगा, डेटाबेस का नाम, यूजर का नाम लेट्स से HR देता है, पासवर्ड देता है HR, और एट द रेट उसने क्लाइंट साइड पे MyDB के लिए एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई हुई है, वो अभी देखते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे बनाता है। तो रिक्वेस्ट सीधी जाएगी डेटाबेस सर्वर के ऊपर लिसनर के पास, लिसनर क्या करेगा, वो देखेगा ये जिस डेटाबेस के लिए उसने कनेक्शन की रिक्वेस्ट की है वो उसके साथ रजिस्टर्ड भी है कि नहीं, लेट्स से वो रजिस्टर है तो क्या करेगा, उस MyDB की डेटाबेस के लिए उस यूजर के लिए एक सर्वर प्रोसेस क्रिएट करेगा, लेट्स से सर्वर प्रोसेस का भी नाम होगा, उस सर्वर प्रोसेस का एड्रेस वो लिसनर उठा के आपके इस यूजर प्रोसेस को दे देगा, यूजर प्रोसेस यूजर मशीन पे चल रहा है, लेट्स से ये यूजर वन है, यूजर प्रोसेस को देगा। अब यूजर उसके बाद जितनी भी रिक्वेस्ट सेंड करेगा वो वाया लिसनर नहीं जाएंगी, अब वो डायरेक्ट सर्वर प्रोसेस से कम्युनिकेट कर रहा होगा। एक दफा यूजर कनेक्ट हो जाए और लिसनर डाउन हो जाए तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो ऑलरेडी कनेक्टेड यूजर्स के ऊपर, ठीक है। ऑलरेडी कनेक्टेड यूजर्स के ऊपर लिसनर के डाउन होने का या लिसनर के रीस्टार्ट होने का कोई इम्पैक्ट नहीं है। लिसनर डाउन हो गया तो नए आने वाले यूजर डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन एग्जिस्टिंग कनेक्टेड यूजर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिसनर सिर्फ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, लिसनर का काम है जब इनकमिंग पहली दफा कनेक्शन की रिक्वेस्ट आए तो आपको आपके बिहाफ पे आपके लिए एक सर्वर प्रोसेस क्रिएट करे, उस सर्वर प्रोसेस का एड्रेस आपको दे दे, दैट्स इट। उसके बाद लिसनर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती दरमियान में, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा कि लिसनर सिर्फ फर्स्ट टाइम रिमोट साइट से ओवर द नेटवर्क जब आप आ रहे हैं तो कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है, ठीक है। तो वही सेशन चलता है, हाँ, जब तक आप डिस्कनेक्ट नहीं होते हैं वो सेशन चलता रहेगा,
जैसे आप डिस्कनेक्ट हुए दोबारा से कनेक्शन की रिक्वेस्ट की तो आपकी रिक्वेस्ट लिसनर पे छूट जाएगी, ठीक है। तो अब लिसनर के साथ अगर कोई डेटाबेस रजिस्टर्ड है तो फिर वो उसके साथ कनेक्टिविटी करेगा। लेट्स से ओआरसीएल के डेटाबेस के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या होगा, वो जब कनेक्शन की रिक्वेस्ट आएगी ओआरसीएल के साथ तो वो एरर देगा कि मैं इस डेटाबेस से कनेक्ट नहीं करा सकता, ये डेटाबेस मेरे लिए अननोन है या ये डेटाबेस मेरे साथ रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। तो अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, सम टाइम्स ये होता है कि जो डायनेमिक रजिस्ट्रेशन है वो बहुत टाइम लेती है, सम टाइम्स नॉर्मली हो जाती है बड़ी जल्दी जब लिसनर स्टार्ट हो डेटाबेस स्टार्ट हो तो डायनेमिक रजिस्ट्रेशन अगर आपका पी बाउंड का प्रोसेस रजिस्टर कर देता है, लेकिन सम टाइम्स ये होता है कि वो रजिस्ट्रेशन बहुत टाइम ले लेती है या नहीं हो सकती वो या वो एरर देना शुरू हो जाता है। तो बेहतर ये होता है कि आप स्टैटिकली रजिस्टर करें अपनी डेटाबेस को लिसनर के साथ। स्टैटिकली का क्या मतलब है, स्टैटिकली का मतलब है कि आप लिसनर डॉट ओरा फाइल में उस डेटाबेस की एंट्री करें, ठीक है, लिसनर डॉट ओरा फाइल में उस डेटाबेस की एंट्री करें कि ये लिसनर है और ये डेटाबेस उसके साथ रजिस्टर्ड है। डायनेमिक एंट्री के केस में लिसनर डॉट ओरा फाइल में सिर्फ और सिर्फ लिसनर की कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल होती है, किसी डेटाबेस की कोई कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल्स नहीं होती। लेकिन जब आप स्टैटिक रजिस्ट्रेशन करते हैं एक डेटाबेस को लिसनर के साथ तो आप लिसनर डॉट ओरा फाइल के अंदर एंट्री कर रहे होते हैं कि ये लिसनर है मेरा और ये लिसनर इन इन डेटाबेस के अगेंस्ट लिसन कर रहे हैं, ठीक है। वो करके देखते हैं अभी, ऑथेंटिकेशन तो डेटाबेस का काम है ना, कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी ऑथेंटिकेशन नहीं कनेक्टिविटी। तो नेट एमजीआर की यूटिलिटी है, नेट मैनेजर इसको कहते हैं, ये यूटिलिटी है दैट इज यूज टू रजिस्टर डेटाबेस विद द लिसनर स्टैटिकली, ठीक है। और यहाँ पे आप लिसनर डॉट ओरा की फाइल को ट्रैक जाके ओपन करें उसमें एंट्री कर दें, लेकिन उस एंट्री में मसला ये को याद रखना उसको मुश्किल है, उसमें पैरेंथेसिस बहुत सारी यूज होती है, उसका पर्टिकुलर एक फॉर्मेट है। तो बेहतर ये होता है कि आप हमेशा कोई टूल यूज करें, आप डायरेक्ट करेंगे तो आपको वो चीज़ याद रखना मुश्किल है जरा, वो फिर आपको चीज मिक्स कर देंगे तो फिर लिसनर भी स्टार्ट नहीं होगा, अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कोई इशू होगा तो लिसनर स्टार्ट ही नहीं होगा। मैं ये टूल इनवोक करता हूँ, इसमें अगर आप लोकल पे क्लिक करें और ये लिसनर्स पे क्लिक करें तो आप ये देखिए प्लस का साइन आपके पास आ गया, प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया लिसनर भी आपको क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो इसके थ्रू भी लिसनर क्रिएट किया जा सकता है, लिसनर ड्रॉप किया जा सकता है, ये देखें आपको ऑलरेडी क्रिएटेड लिसनर्स भी दिखा रहा है और आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पे लेट्स से लिसनर अंडरस्कोर ओआरसीएल के साथ मैं डेटाबेस को रजिस्टर करना चाहता हूँ तो आप उस लिसनर पे जाएंगे, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में से डेटाबेस सर्विसेज को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इस डेटाबेस के साथ कोई इस लिसनर के साथ कोई डेटाबेस स्टैटिकली रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐड डेटाबेस करूंगा, उस डेटाबेस का नाम बताऊंगा, फॉर एग्जाम्पल माई डीबी को मैं इसके साथ रजिस्टर करना चाहता हूँ। उसका ओरिकल होम बताऊंगा कि वो डेटाबेस किस होम से चल रही है, ये होम उसने सही उठाया क्योंकि उसी होम से जिस होम से ये लिसनर चला है उसी होम से वो डेटाबेस भी चल रही है, तो डेटाबेस का नाम बता दूंगा। अब ये एंट्री जाके उस लिसनर की फाइल में कर देगा, मैं इसको फाइल सेव नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, सिंपली सेव नहीं करना, सेव नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन आपको करना और इसको एग्जिट कर देंगे। मैं जरा और करता हूँ लिसनर डॉट ओरा फाइल को, उसमें देखें एक एंट्री उसने कर दी ये एंड पे एस आई डी अंडरस्कोर लिस्ट और आगे लिसनर का नाम, लिसनर का नाम क्या है लिसनर अंडरस्कोर ओआरसीएल है। इसी तरीके से अगर आप डिफॉल्ट लिसनर के साथ या लिसनर के नाम से जो लिसनर है इसके साथ अगर किसी डेटाबेस को रजिस्टर करेंगे तो आपके पास एक और इस तरीके से पैरामीटर आएगा एस आई डी अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर लिसनर के नाम से आएगा। तो एस आई डी अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर और आगे लिसनर का नाम आता है, फिर उसमें आप बताते हैं एस आई डी लिस्ट बताते हैं कि ग्लोबल डेटाबेस का नाम क्या है, डेटाबेस का होम क्या है और डेटाबेस की एस आई डी क्या है। तो अब ये जो पर्टिकुलर डेटाबेस है माई डीबी इस लिसनर के साथ स्टैटिकली रजिस्टर हो गई है क्योंकि लिसनर डॉट ओरा फाइल के अंदर उसकी एंट्री आ गई है। अब मैं इस लिसनर के साथ स्टेटस देखता हूँ, एल एस एन आर सी टी एल स्टेटस लिसनर अंडरस्कोर ओआरसीएल, इसमें देखें इसने कहा जी कि इसने लिसनर ऑलरेडी चल रहा है इस वक्त, इसने कहा जी कि द लिसनर सपोर्ट नो सर्विसेज, ये कहा इसने कहा लिसनर सपोर्ट्स नो सर्विसेज मीन्स कि इसके साथ कोई डेटाबेस रजिस्टर्ड नहीं है, ना तो कोई डायनेमिकली आई है रजिस्टर हुई है ना स्टैटिकली भी कोई रजिस्टर। अभी हमने स्टैटिक रजिस्ट्रेशन तो किया लेकिन लिसनर को बाउंस नहीं किया हमने। तो अगर दूसरे लिसनर को अगर मैं आपको दिखाऊं एलएस एनआर सीटीएल स्टेटस तो उसमें देखें सर्विसेज की समरी में आपको बता रहा है प्लस एएसएम इसके साथ रजिस्टर हुई है और माई डीबी रजिस्टर हुई है, तो ये दो डेटाबेसिस को इंस्टेंसेस को इस वक्त लिसन कर रहा है, प्लस एएसएम को और माई डीबी को लिसन कर रहा है। अब मैं अगर इस लिसनर को बाउंस करूंगा उसको दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं, रीडाउनलोड भी किया जा सकता है, रीलोड से वो स्टार्ट नहीं स्टॉप नहीं करता। अब ये देखिए फोरन से उसने क्या किया है माई डीबी की, क्योंकि उसने लिसनर डॉट ओरा की कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल इस लोकेशन पे है, जब एल एस एन आर सी के स्टेटस करते हैं तो आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल बताता भी है कि कहाँ पे पड़ी है। तो उसने उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में एंट्री हुई थी तो फोरन ही उसने वो
मेमोरी में भी उसके रजिस्ट्रेशन साथ कर दी। अब ये इस डेटाबेस के लिए ये लिसनर जो है वो लिसन कर रहा है। अब जब कोई कनेक्टिविटी की रिक्वेस्ट आएगी तो इस डेटाबेस से वो उसको कनेक्ट कराएगा अगर ये डेटाबेस अवेलेबल हो तो। ठीक है जी, तो लिसनर रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन आपने देख ली कि आपने लिसनर को क्रिएट करना होता है, लिसनर की पोर्ट्स होती हैं, लिसनर का नाम है, देन लिसनर के साथ डेटाबेस के रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन हैं। ये सारा काम आपने डेटाबेस सर्वर साइड पे करना होता है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स दो हैं, एक अभी तक हमने जितना काम किया है उसका एसक्यूएलनेट डाटा से कोई लिंक नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने कोई वो नहीं लगाई, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट नहीं लगाई या कुछ नहीं, तो वो एसक्यूएलनेट डाटा फाइल में तब एंट्री होगी। अभी तक जितना काम किया उसका इसका टोटली जितना भी इम्पैक्ट है वो लिसनर डाटा फाइल के ऊपर है, अभी एसक्यूएलनेट डाटा फाइल यूज नहीं हुई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जी आपको? दो तीन मिनट और लेते हैं फिर इसको एंड करते हैं जी। तो अब देखते हैं क्लाइंट साइड, ये तो सर्वर साइड था। सर्वर साइड पे क्या होना चाहिए? यू शुड हैव अ लिसनर अप एंड रनिंग। सर्वर साइड पे डेटाबेस के साथ साथ यू हैव अ डीबी इंस्टेंस एंड यू शुड आल्सो हैव अ लिसनर अप एंड रनिंग। अब क्लाइंट साइड पे क्या चाहिए आपको? अच्छा, अब क्लाइंट जो है वो दो तरह के होते हैं। एक तो क्लाइंट वो है जो डायरेक्ट आपके डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट हो रहे होते हैं। ऐसे मशीन जो डायरेक्ट आपके क्लाइंट, ऐसे क्लाइंट जो डायरेक्ट डेटाबेस सर्वर के साथ कनेक्ट हो रहे होंगे वो क्लाइंट, उसको कहते हैं क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि डेटाबेस सर्वर के दरमियान में एक सर्वर होता है, आपके क्लाइंट और डेटाबेस सर्वर के मिड में एक सर्वर होता है, दैट इज कॉल्ड एन एप्लीकेशन सर्वर, या मिडिल टीयर इसको कहते हैं। दिस इज कॉल्ड थ्री टीयर आर्किटेक्चर या एन टीयर भी इसको कहते हैं। उस केस में क्लाइंट साइड पे कुछ भी नहीं चाहिए होता आपको, क्लाइंट पे जस्ट ब्राउजर चाहिए या वो एप्लीकेशन आपने एक्सेस करनी है। और ये जो है एप्लीकेशन सर्वर वो एज अ क्लाइंट काम करेगा और डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा। लेट्स से अगर आपने क्लाइंट है, चाहे वो एप्लीकेशन सर्वर है या चाहे वो आपका नॉर्मल एक मशीन है जिसने डेटाबेस से कनेक्ट होना है, तो क्लाइंट की मशीन के ऊपर आपको ओरेकल क्लाइंट का सॉफ्टवेयर मिनिमम चाहिए। ओरेकल क्लाइंट का एक सॉफ्टवेयर होता है That should be installed. वो इंस्टॉल होगा तो Oracle Network Services के टूल्स अवेलेबल हो जाएंगे आपको, Oracle Network Services अवेलेबल हो जाएंगी, या जिसको Oracle Net 8 में कह रहा था अभी। सर्वर साइड पे तो ऑलरेडी अवेलेबल हो जाती हैं क्योंकि आप डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो साथ ही इंस्टॉल हो जाती हैं। क्लाइंट साइड पे अगर आपने उसमें क्लाइंट ने डायरेक्ट डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट करना है, कोई टोड यूज़ करना है, एसक्यूएल प्लस यूज़ करना है या कोई और टूल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स के थ्रू आपने कनेक्ट होना है, तो उस मशीन पे Oracle क्लाइंट फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स के थ्रू कनेक्ट होना है, तो फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स के अंदर एक्चुअली साथ ही ये नेटवर्क सर्विसेज उसके अंदर ही इम्बेड होती हैं साथ ही। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ आपने एसक्यूएल प्लस या टोड या कोई और यूटिलिटी यूज करनी है डेटाबेस सर्वर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करने के लिए, तो आपको ओरेकल क्लाइंट इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये मिनिमम सॉफ्टवेयर है जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और ओरेकल क्लाइंट में भी फिर आगे ऑप्शन है आपके पास, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लाइंट है, रन टाइम क्लाइंट है, तो कस्टम आप कर सकते हैं। रन टाइम में मिनिमम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लाइंट में डिटेल से ज्यादा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है, तो फिर उससे बड़ा जो सॉफ्टवेयर वो डीबीएमएस का है। क्लाइंट साइड पे पूरा डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, आपको ओरेकल क्लाइंट ही इंस्टॉल करना चाहिए। वंस ओरेकल क्लाइंट इज देयर, अब क्लाइंट को तीन चीजें चाहिए डेटाबेस सर्वर के साथ कम्युनिकेट होने करने के लिए। एक तो ये कि उस सर्वर का, जिस सर्वर के ऊपर ये आपका ये जो डेटाबेस और लिसनर चल रहा है उस सर्वर का या तो आईपी या फिर होस्ट नेम, एक तो ये चाहिए। दूसरा पोर्ट चाहिए लिसनर की, और थर्ड क्या चाहिए? हाँ, थर्ड चाहिए आपको एसआईडी, डेटाबेस का नाम, जिस नाम से डेटाबेस रजिस्टर्ड है आपके लिसनर के साथ। ये तीन इन्फॉर्मेशन चाहिए क्लाइंट को ताकि वो डेटाबेस से कनेक्ट हो सके। ठीक है, अच्छा, द वे अ क्लाइंट कनेक्ट्स टू अ डेटाबेस इज कॉल्ड अ नेमिंग मेथड, याद रखिएगा नेमिंग मेथड। नेमिंग मेथड कहते हैं कि क्लाइंट एक डेटाबेस सर्वर से कैसे कनेक्ट होता है, उसको एक नेमिंग मेथड कहा जाता है। अच्छा, मल्टीपल नेमिंग मेथड्स हैं, एक है जी इजी कनेक्ट के नाम से नेमिंग मेथड है, वो भी पढ़ते हैं। एक है लोकल नेमिंग है, इसको टीएनएस नेम्स भी कहते हैं। एक डायरेक्टरी नेमिंग है, ये अभी हम यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टरी नेमिंग। और एक है जी फोर्थ है एक्सटर्नल नेमिंग, इसका जरूर करेंगे लेकिन यूज नहीं कर सकेंगे, उसके लिए पूरा सेट चाहिए आपको। ठीक है,
हम दो मेथड इसमें पढ़ रहे होंगे अभी क्लाइंट साइड पे, इजी कनेक्ट के साथ आप कर सकते हैं क्लाइंट साइड से कनेक्टिविटी सर्वर के साथ, और लोकल नेमिंग के साथ कर सकते हैं। 99.9% टाइम लोकल नेमिंग यूज हो रही होगी और प्रेफर्ड भी नहीं है। ईजी कनेक्ट में इन एनी केस इन चारों में से कोई भी आप नेमिंग मेथड यूज करें, आपको ओरेकल का क्लाइंट सॉफ्टवेयर चाहिए क्लाइंट साइड पे। अगर वो आपने ओरेकल का कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया हुआ है तो उसमें क्लाइंट ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, जैसे ओरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स इंस्टॉल किया आपने, डेवलपर सुइट जिसको कहते हैं, तो उसमें ओरेकल क्लाइंट साथ ही इंस्टॉल हो जाता है, मीन्स के नेटवर्क सर्विसेज साथ ही इंस्टॉल हो जाती है, तो फिर आपको अलग से ओरेकल का क्लाइंट का सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए होता। लेकिन अगर आपको उस मशीन पर कुछ भी नहीं है तो आपको मिनिमम ओरेकल का क्लाइंट सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। तो इजी कनेक्ट में आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी, ओरेकल का क्लाइंट अवेलेबल होना चाहिए लेकिन आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ती। आप सिंपली क्या करते हैं, आपने लेट से एक मशीन है, ये क्लाइंट मशीन है अज्यूम करते हैं, इसमें ओरेकल का क्लाइंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। अब आप डेटाबेस से कनेक्ट होना चाहते हैं, आप सिंपली एसक्यूएल क्लास या टूल इनवोक करेंगे, उसमें यूजर नेम पासवर्ड एट द रेट डेटाबेस का नाम, लेट से आईपी दे देता हूँ 192.168.0.12, ये जो जिस मशीन पे डेटाबेस चल रही है उस पर 12 इसका आईपी है, कॉलन 15 22 पोर्ट नंबर है, स्लैश माई डीबी डेटाबेस का नाम, अच्छा और अकाउंट लॉग का चेंज से कनेक्ट हो। कनेक्ट हो जाएंगे। इस केस में आपको क्लाइंट साइड पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ेगी, आपने जस्ट एसक्यूएल क्लास या कोई टूल इन वो किया, उसमें आपने सर्वर का आईपी बताया या नाम बताया, कॉलन देके लिसनर की पोर्ट नंबर बताई, स्लैश देके आपने डेटाबेस का नाम बताया। अब ये डेटाबेस अगर उस लिसनर के साथ रजिस्टर्ड है तो ये आपको कनेक्ट करा देगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इजी नेमिंग, इसमें कोई क्लाइंट साइड पे किसी कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर तो आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है, वो आगे डिस्कस करेंगे। द सेकंड नेमिंग मेथड इज लोकल नेमिंग, और इसमें किसी कॉन्फ़िगरेशन की कोई कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं करनी पड़ती आपको। लोकल नेमिंग अगर आप करते हैं तो उसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, और एक टूल है नेट सी ए, या डिफरेंट तरीके से इसको कर सकते हैं, नेट सी ए नॉर्मली यूज होता है, क्लाइंट साइड पे भी नेट सी ए यूज होगा, सर्वर साइड पे नेट सी ए यूज होता है आपका लिसनर कॉन्फ़िगर करने के लिए, क्लाइंट साइड पे नेट सी ए यूज होता है आपकी क्लाइंट साइड की कनेक्टिविटी के सेट करने के लिए। तो नेट सी ए चलाएंगे, उसमें पहली दफा अगर आप उस मशीन पे आपने क्लाइंट इंस्टॉल किया और नेट सी ए चलाए तो आप नेमिंग मेथड्स को सिलेक्ट कर लेंगे, नेमिंग मेथड्स को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, कौन कौन से नेमिंग मेथड आप इनेबल करना चाह रहे हैं क्लाइंट साइड के ऊपर। तो बाय डिफॉल्ट वैसे ही लोकल नेमिंग भी इनेबल होती है और इजी कनेक्ट नेमिंग भी होती है, लेट्स ये दोनों में इनेबल करता हूँ, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं और फिनिश कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, ये क्लाइंट साइड पे अगर एसक्यूएल नेट डॉट ओरा फाइल पड़ी हुई है तो उसमें ये एंट्रीज कर देगा, अगर नहीं पड़ी हुई तो नहीं फाइल बना देगा। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एसक्यूएल नेट डॉट ओरा की फाइल, तो उसमें देखें नेम्स डॉट डायरेक्टरी अंडरस्कोर पाथ, और उसमें नेमिंग मेथड उसने बता दिया, टीएनएस नेम्स डॉट ओरा भी यूज हो रहा है और इजी कनेक्ट भी यूज हो रहा है, जो मैंने अभी इजी कनेक्ट नेमिंग आपको बताई ना कि दो नेमिंग मेथड यूज है। तो एसक्यूएल नेट डॉट ओरा जो फाइल है क्लाइंट साइड पे, वो क्लाइंट को ये क्लाइंट साइड पे ये बताती है कि नेमिंग मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं आप। मल्टीपल नेमिंग मेथड आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं, जैसे आप टीएनएस नेम्स डॉट ओरा, इजी कनेक्ट, फिर आगे डायरेक्टरी नेमिंग कमा देंगे, फिर आगे आप एक्सटर्नल नेमिंग, ये सारे आप ऑप्शन दे सकते हैं, वो डिस्कस करते हैं इसका फायदा क्या होगा। अच्छा, पहली दफा आपने नेमिंग मेथड कर लिए, सेट कर लिए कि कौन कौन से नेमिंग मेथड्स आप करेंगे, बाय डिफॉल्ट टीएनएस नेम्स होता है, अगर आप कोई ये फाइल एग्जिस्ट भी ना भी करती हो तो बाय डिफॉल्ट नेमिंग मेथड जो होता है वो टीएनएस नेम्स होता है, ठीक है, या जिसको आप लोकल नेमिंग में कह रहा हूँ वो होता है। नेट सी ए चलाते हैं, और अब सर्वर के साथ कनेक्टिविटी के लिए मैं एक नेमिंग मेथड कॉन्फ़िगर करूंगा, तो थर्ड ऑप्शन में सेलेक्ट करूंगा लोकल नेट सर्विस नेम कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट करते हैं जी, ऐड करते हैं एक सर्विस नेम, नेक्स्ट। यहाँ पे आपने डेटाबेस का एक्चुअल नेम बताना होगा, तो मेरे केस में डेटाबेस का नाम माई डी बी है जिससे मैं कनेक्ट होने जा रहा हूँ, टीसीपी प्रोटोकॉल पे वो लिसन कर रही है, होस्ट नेम डेटाबेस सर्वर का आईपी या उसका नाम बता देंगे, या डेटाबेस सर्वर का आईपी है जी, और लिसनर किस पोर्ट पे लिसन कर रहा है, मेरे केस में उस डेटाबेस सर्वर पर लिसनर है वो 1522 पे लिसन कर रहा है, नेक्स्ट करेंगे, परफॉर्म टेस्ट करना है इसको छोड़ देते हैं अभी, नेक्स्ट करते हैं। ये जो नाम है ये जो मर्जी आप दे दें, आर्बिट्रेरी कुछ भी नाम दे दें, नॉर्मली हम ये वही रखते हैं जो डेटाबेस का नाम होता है, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ माई डी बी अंडरस्कोर एपीसी का, कुछ भी, जस्ट टू लेट यू नो कि आप इसको नाम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं एंड फिनिश कर देते हैं। लेट्स आपके इन्वायरमेंट में मल्टीपल डेटाबेस है, दोबारा नेट सी ए का टूल चलाएं, दूसरी डेटाबेस के लिए भी इसी तरीके से क्रिएट कर लें, इसको कहते हैं टीएनएस एंट्री, दिस इज कॉल्ड टीएनएस एंट्री भी कहते हैं इसको, कनेक्शन स्ट्रिंग भी कहा जाता है, बहुत सारे इसके नाम है। तो ये जब आप बनाएंगे तो टीएनएस एंट्री क्रिएट करेंगे तो ये एक फाइल बना देता है टीएनएस नेम्स डॉट ओरा के नाम से, ठीक है, और इस फाइल को अगर आप देखें
इसमें आपकी जो डेटाबेस की जितनी भी, ये क्लाइंट साइड पे भी फाइल पड़ी होती है, सर्वर साइड पे भी पड़ी होती है, ये फाइल किसी तरफ भी हो सकती है, क्लाइंट साइड पे तो जरूरी है, सर्वर साइड पे भी, क्योंकि आप एट द रेट करके कनेक्ट हो सकते हैं, और एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे भी अगर आपने कनेक्ट होना हो, एक सर्वर से दूसरी डेटाबेस पे भी अगर आपने कनेक्ट होना, तो आपको सर्वर साइड पे ये फाइल चाहिए होती है। तो इस फाइल में आपकी बहुत सारी TNS एंट्रीज हो सकती है, हर TNS एंट्री एक डिफरेंट डेटाबेस पे, जैसे DB11G एक DB11G के नाम से डेटाबेस, उसको पॉइंट करिए, MyDBABC MyDB के नाम से डेटाबेस है, और इस मशीन के ऊपर इस पोर्ट पे लिसन कर रहा है, और इस नाम से डेटाबेस है जो वहाँ पे चल रही है, उसको पॉइंट करिए, एंड फोन। तो अपने आपके पास लेट्स से 15-20 डेटाबेसेस हैं, तो एक ही TNS नेम्स डॉट ओरा फाइल के अंदर सबकी एंट्रीज कर सकते हैं। लेट्स एक नई एंट्री आपने करनी है, या तो लेट्स ये से कर लें, या इस फाइल को ओपन करें, एग्जिस्टिंग किसी भी एंट्री को कॉपी करें, पेस्ट करें, इसमें एंड पे जाके फाइल में ये नाम चेंज कर लें, मशीन का नाम चेंज कर लें, पोर्ट नंबर चेंज कर लें अगर डिफरेंट है, और सर्विस नेम या SID ये चेंज कर लें, तो आपकी एक नई TNS एंट्री आपके पास आ जाएगी। तो नेट सीए के थ्रू भी कर सकते हैं, और इस फाइल को डायरेक्टली भी जाके एडिट किया जा सकता है। वंस आपने TNS एंट्री क्रिएट कर ली, तो उसको वेरीफाई किया जा सकता है। TNS पिंग की एक यूटिलिटी है ओरेकल में, TNS पिंग, और आगे नेटवर्क सर्विस नेम का नेम बताते हैं, आप एलियस बताते हैं, जैसे हमने बनाई थी MyDB_ABC। तो TNS पिंग करेंगे और आपको ओके का मैसेज आ जाता है, इट मीन्स कि आपने लिसनर की या होस्ट का नाम, IP या नाम, पोर्ट लिसनर की और सर्विस का नाम सही दिया, और कनेक्टिविटी हो रही है आपकी, क्योंकि वो उसने जाके कनेक्शन की रिक्वेस्ट की है, लिसनर ने रिस्पॉन्ड किया है, इट मीन्स कि आपकी TNS एंट्री ठीक है। अब अगर आप SQL क्लास ओपन करते हैं और करते हैं जी लेट्स से सिस्टम और उसका पासवर्ड @MyDB_ORCL कनेक्ट हो गया। हुआ क्या कि जैसे आपने ये कनेक्शन की रिक्वेस्ट की ना, और आपने दिया कि MyDB_ABC, तो इस क्लाइंट मशीन पे सबसे पहले ओरेकल की नेटवर्क सर्विसेज ने चेक किया आपकी SQLNet.ORA फाइल को कि नेमिंग मेथड कौन सा यूज हो रहा है। सबसे पहले लिस्ट डाउन हुआ था TNS नेम्स, तो उसने क्या किया, जब TNS नेम सेट हुआ है तो वो इस मशीन के ऊपर TNS_NAMES.ORA के नाम से फाइल होनी चाहिए, वो फिर उस फाइल में चला गया, उस फाइल में उसने इस नाम से सर्विस चेक की, उसको सर्विस मिल गई इस नाम से, उस नाम से सर्विस में उसने देखा कौन सी IP पे, कौन सी पोर्ट पे, कौन सी डेटाबेस की अगेंस्ट रिक्वेस्ट करनी है, उस पोर्ट पे, उस IP पे, उस डेटाबेस के लिए उसने रिक्वेस्ट की, लिसनर ने वो रिक्वेस्ट लिसन की, सर्वर प्रोसेस बनाया, सर्वर प्रोसेस का एड्रेस इसको दे दिया, और फिर कनेक्ट किया, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस हुआ है। तो आपके क्लाइंट साइड पे आपकी सर्विसेज होनी चाहिए, या आपके TNS_NAMES.ORA फाइल होनी चाहिए, अगर आप लोकल नेमिंग या इसको कहते हैं TNS_NAMES, इसको कहते हैं ये, तो ये नेमिंग मेथड अगर आप यूज करें तो आपके पास TNS_NAMES.ORA फाइल होनी चाहिए, और SQLNet.ORA फाइल होनी चाहिए जिसमें आप बताते हैं कि नेमिंग मेथड में कौन सा यूज करें। लेट्स से आपको इस नाम से उसको सर्विस नहीं मिलती TNS_NAMES.ORA फाइल में, तो फिर वो इजी कनेक्ट नेमिंग मेथड को अटेम्प्ट करेगा, उससे भी कनेक्ट नहीं होता तो फिर वो एरर दे देगा, ठीक है। आप मल्टीपल नेमिंग मेथड बता सकते हैं SQLNet.ORA फाइल के अंदर। क्लियर है जी, दैट्स इट फॉर टुडे जी, नेक्स्ट टाइम यहीं से आगे